हाय गाइस, वेलकम बैक। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो नाचोस बनाए थे 16th of November को, यानी कि मेरे बर्थडे से पहले शाम को। और बस फिर हमने वही मूवी वूवी देखी। प्रतीक 12 बजे विश करके सोते हैं, तो वही है, थोड़ा वो भी टाइम हो जाता है। और नाचोस अगर रेसिपी नहीं देखी तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पे। और फिर ये मोटर बाइक भी आ गई हमारी, तो बुलेट ली है प्रतीक ने। बहुत टाइम से मन था, प्लानिंग करे थे। और वैसे मोटर बाइक यहाँ पर कम लोग रखते हैं, बट वही हमारा मन था, प्रतीक का बहुत ज़्यादा मन था, तो हमने ये ले ली है। फिर उसके बाद हमारे जाने का प्लान था, ये मैनचेस्टर जा रहे थे हम, बट बहुत ज़्यादा बारिश थी और बीच में ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि जिस टाइम हमें पहुँचना था हम ट्रैफिक में रास्ते में ही फंसे रह गए, तो फिर हम नहीं जा पाए। तो बस घर पर फिर हमने सेलिब्रेट किया और फ्रेंड्स आ गए थे शाम को, तो बस फिर अच्छे से मना उस दिन भी। और फिर इसके बाद ये है वीकेंड और सैटरडे। सैटरडे को हम निकले मिल्टन कीन्स के लिए, फ्रेंड के घर जा रहे हैं और हम एक फ्रेंड और वहीं पे आएंगे। तो दो लोगों का बर्थडे है एक्चुअली, मेरा और एक और फ्रेंड का। उनका पहले दिन था, मेरे से 16 को था। तो अब इस वीकेंड होने वाला अच्छा सा सेलिब्रेशन, और इस तरह का है यहाँ पर कुछ व्यू, आप देख सकते हो पूरा ग्रीन, काफ़ी ग्रीनरी है। मैं पहले भी बता चुकी, इंग्लैंड काफ़ी ग्रीन है। घर पहुँचते हमने खाई कचौड़ी पेड़ा, बहुत ही अच्छी कचौड़ियाँ बनी थी। और फिर उसके बाद खाना पीना खाने के बाद सुबह का ब्रंच ही किया था वैसे तो। फिर सब लग गए थे काम में अपने अपने, शाम के खाने की भी तैयारी कर रहे थे थोड़ा। और बच्चे यहाँ खेल रहे हैं साथ में, देखो कितने प्यार से खेलते हैं ना, तो इनको भी ज़रूरत है साथ की, तो कोई ना कोई हो ये अच्छा इन्जॉय करते हैं ये भी। और इवन हम लोग भी आराम से खेल रहे हैं अपना। तो खेलने के बाद तीनों बच्चे अब लगे हुए हैं अपने खिलौने समेटने में। फिर इवनिंग में हम लोग गए वॉक के लिए सब, ये चर्च है वहाँ पर, तो उनके घर के पास से ही, वहीं जिस एरिया में वो रहते हैं पास ही विलेज भी है कुछ, बहुत ही सुंदर सुंदर बड़े बड़े घर हैं। तो अब बस घूमने फिरने के बाद घर जाके बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट। हाँ अभी इधर देखो, अभी अरे जल्दी देखो। चलो काम प्ले पार्टी अभी शुरू ही है, इसको भी हटा दो। नहीं मैं बता रहा हूँ, क्यों रखना है
यहाँ पे सबूत आके भाई एक ही बंदा कर पाएगा थोड़ा सा हिला दो थोड़ा सा ऐसे मत हिलाओ बस थोड़ा सा ऐसे करो वाटर से पीनी बनती है हाँ वो तो तो केक कटिंग वगैरह सब कुछ हो गई है और बच्चे अब लगे हैं कि बस कब केक दे हमें और क्या खूब मजे कर रहे हैं ये भी अच्छा लग रहा है डांस तो आपने देख ही लिया इनका और ये चारों तरफ घूम रहा था कि केक मिल जाए इसका बस किसी तरह बस फिर सबने खाना खाया और बच्चों को सुला के फिर हमने थोड़ी देर गेम्स खेले और मेनली तो कार्ड का ही गेम खेलते हैं और ये हमें मुझे बना के दिया था उन्होंने तो मैं इसको भी फिर मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो ये हैंगिंग वाली ज्वेलरी कैबिनेट है तो इसको आप सामने तो इस पर ये मिरर लगा हुआ है और अंदर से कुछ इस तरह से है ये। अभी हम तो इसको वॉल पर हैंग करेंगे आप इसको डोर पर भी लगा सकते हो तो साथ में इसके दोनों ऑप्शन के हिसाब से चीज़ें दी जाती हैं। और ये मैंने अब अपना सारी ज्वेलरी जो भी थोड़ा बहुत है ज़्यादा तो नहीं है वॉल इसमें लगा लिया है तो गिफ्ट भी कह सकते हैं आप इसे क्योंकि प्रतीक ने ढूंढ के मंगाई है। फिर इसके बाद ये शाम को हम निकल गए थे इससे पहले बस वही ब्रेकफास्ट किया गेहूं चने की रोटी विद मक्खन फिर वॉक के ले गए और फिर क्योंकि सबने काफ़ी अच्छे से खाया था ब्रेकफास्ट तो लेट ही खाया था और थोड़ा तो फिर बस चाय पी के हम निकल गए थे भूख थी नहीं बहुत ही अच्छा था हमारा सेलिब्रेशन ये। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन यू गाइस टेक केयर बाय।